रुकिया उनके शिक्षक अभिभावकों तथा मेजबान पाठशाला के स्वागत है सभी मेहमानों का, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मोबाइल चुके तो कैमरे पीछे रहते हैं।
आपसे अनुरोध है कि माइक लेकर इनकी इस कला के बारे में बताएं। धन्यवाद सर। I'm so happy that Bamanji is also come. It's like a cherry on the ice cream that he's come and bachchon ko itna protsahan diya, itne khush. We felt we could see the child in him also, and it was so nice. Thank you. And what a lovely, our teachers, our Ravi Bagri, all everyone, all the parents and Jairaj who brings all everyone from all over Bombay. We bring them here, give them lunch, give them gifts. Every child goes home with a gift and with a happy face. Super. दिल तो बच्चा ही है मेरा, आप जानते हैं, जब जहाँ भी जाता हूँ मैं इतनी खुशी लेके निकल जाता हूँ, कुछ भी हो, आई ऑलवेज लाइक टू फाइंड द चाइल्ड इन मी एंड फाइंड सम ऐसे कोई चीज़ को ढूंढो जिसे आपको लगे कि अपना दिल खुश हो जाए। लेकिन ये आज मेरे बारे में नहीं, पहले तो आप यहाँ पे प्लीज़ लोअर योर माइक्स, इनकी तारीफ होनी चाहिए। 20 साल पहले, नहीं आप सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ अभी आप सुनो, 20 साल पहले आपका जो पहला इवेंट था स्पेशल स्कूल्स, मैं ये कहना चाहूँगी स्पेशल स्कूल स्पोर्ट्स डे है, जमुनाबाई नारसी के ट्रस्ट से उन लोग ऑर्गेनाइज करते, इतनी कमाल यू नो फैसिलिटीज और इतनी ओपनिंग सेरेमनी, इतनी प्यारी ओपनिंग सेरेमनी होगी, बट शी नीड्स टू बी गिवन the honor and the thanks and the gratitude hamari taraf se. 20 saal pehle kaisa tha pehla event, kaisa tha? same but it's getting better every year. Ha, better and bigger. Bas main to yahi better and bigger, much haan, bigger better, yeah. And bigger, main to yahi chahunga ki abhi usko stadium mein leke chalo, right, ki all india special schools ke bachche aaye aur maujood ho aur enjoy kare aur bachcho ke chehron pe khushiyan dekho. Hum आप लोग टीचर्स स्टूडेंट्स क्लास में बैठ के रोज कुछ ना कुछ करते रहते, बाहर ओपन में आके स्पोर्ट्स डे के दिन इतनी खुशियां मतलब फैलती है और उन लोगों को इतना अच्छा महसूस होता है, स्पेशली ये स्पेशल बच्चों को, ब्लाइंड चिल्ड्रन, मतलब आपने मलकम देखा, ब्लाइंड चिल्ड्रन मलकम किया, जब तक हम उनको इनकरेज नहीं करें, जब तक उनको हमारी तालियां
सुनाई नहीं दे तो उसमें फायदा नहीं। सो वी हैव टू इनकरेज, हमारा काम बनता है इनकरेज करने के लिए। आपने वो शुरुआत की और हम आके बस एक घंटा बैठ के थोड़ी एक दो स्पीच देते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन रियल हार्ड वर्क इज डन बाय हर इन हर टीम एंड आई वांट यू ऑल टू एक्नॉलेज। एंड व्हेन द ऑल इंडिया विल बी टेकिंग पार्ट ही विल बी आवर चीफ गेस्ट अगेन बिकॉज यू आर द बेस्ट। मैं आऊंगा यहाँ, यू आर द बेस्ट 101%। और क्या है ना, आज के तारीख में जो हैप्पी ओकेजन होता ना उस पर लोग ध्यान नहीं देते। हैप्पी ओकेजन है ये बच्चे के चेहरे देखो कितने खुश है, उनके पेरेंट्स देखो कितने खुश है, उनके टीचर्स देखो, उनके ट्रेनर्स देखो कितने खुश है। ये हमें और स्प्रेड करना चाहिए, फैलाना चाहिए कि ऐसे भी होता है हमारे देश में, ऐसे भी होता है हमारे सिटी में। हम वो हैप्पी ओकेजन को इतना सम्मान नहीं देते जितना देना चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त है आप लोगों को, इसको फैलाओ ये बातों को कि बच्चों को के चेहरे दिखाओ, क्लोजअप्स दिखाओ, पेरेंट्स के क्लोजअप।